वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को यूपी में 4 चुनावी रैली की। प्रतापगढ़ में उन्होंने राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर तंज कसा, कहा शहजादों को न मेहनत की आदत है और न ही नतीजे लाने की, इसलिए ये कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा, देश का विकास खटाखट होगा, ये सोचते हैं कि भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएगा और पूछो तो कहते हैं खटाखट खटाखट। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन टूट कर बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट शहजादे चाहे लखनऊ वाले हों या दिल्ली वाले गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। दरअसल 3 दिन पहले राहुल ने झांसी में कहा था महिलाओं के खाते में हर साल 1,00,000 रुपए भेजे जाएंगे, यानी कि महीने का 8,500 रुपए। आजमगढ़ में पीएम ने कहा कि सपा और कांग्रेस दो दल लेकिन एक ही दुकान है, ये झूठ तुष्टीकरण परिवारवाद और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं, इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह से धस चुकी है। पीएम ने कहा सपा के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें करते रहते हैं, अखिलेश यादव अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, अरे तुम कैसे यदुवंशी हो यार, जिसके साथ बैठते हो उसने राम मंदिर को गालियां देने का मिशन चला रखा है।